सड़कें प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं। प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो सड़क सुविधा से अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के लिए सड़क सुविधा तो है पर वो सड़कें अभी तक पक्की नहीं हो पाई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला की अगर हम बात करते हैं, जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ननावा के अंतर्गत घयोच राजपूता गाँव के लिए संपर्क सड़क तो बनी है पर अभी तक 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी पक्की नहीं हो पाई है। सड़क पक्की न होने के कारण इसका खामियाजा आधा दर्जन से अधिक परिवारों को झेलना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को पालकी में उठाकर 8 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। लोगों ने कई बार इसके बारे में प्रशासन को अवगत कराया है लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कब प्रशासन तक उनकी बात पहुँचेगी और उनके गाँव के लिए सड़क बनेगी। हाँ जी, इतना बोलना चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ से लेके जाना पड़ता है? हाँ जी। कैसे लेके जाते हैं? तो भाई 4 पाई ऊपर नेंदे। कितने लोग लगते हैं? भाई लगे थे 6-7 बंदे जाएंगे भाई। तो फिर कितने सालों से आप ऐसे ही सफर कर रहे हैं? 18 साल हो गए। तो सड़क का किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आप कोई मदद नहीं की इसमें? नहीं भाई, विधायक सर इतने बनाए रोड। अच्छा। हाँ जी। और जैसे हेल्थ को लेके कोई आपकी हेल्प की मांग? तो भाई पहले रोड आड़ा होना चाहिए पहले काम। हाँ जी। के तहत आपको जो है वो सहायता दी जाती है? हाँ जी। इसके अलावा पेंशन वगैरह? पेंशन मिलती भाई जी। अरिता देवी, थैंक यू। समस्या आप लोगों की? हमारी समस्या है कि हमें सड़क की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई बच्चा बीमार हो, सियाना बीमार हो, सभी को रहने की समस्या है। हमारी सड़क की समस्या है वो क्यों नहीं बनने देते? पता नहीं क्यों नहीं बनने दे रहे। हमारी जगह है, बोलते हैं कि हमारी जमीन रुड़ रही है सड़क की वजह से। हमने समस्या विधायकों को बताई, पंचायत वालों को बताई और हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ जाना है। वो कहे अनपढ़, हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ जाना है। पढ़े लिखे हो तो पता होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। रोड रखा है वो आपके गांव के ही बाहर के हैं? हमारे गांव के ही है। इधर है थोड़ा सा का ना, उसके नहीं दे रहे हैं, ऊपर नहीं आने देनी है। इस तरफ से निकालो जहाँ से आप आए ना, वहीं से निकालो यहाँ तक। क्या समस्या है? समस्या ये छह दिन पानी नड़े में बरसात में बगता रहे तो कुआं पानी बढ़ रहा, तो पानी कैसे बन जाए? हम बहुत आदमी बीमार हो गए। जैसे लाइट कोई है, हमने संरक्षण की बहुत समस्या है। 15 साल से हमारे पिंड मेरे में लाइट बहुत कटी है। यहाँ पर कोई बरात आनी है तो बहुत अंधेरे में कैसे पैक कर सकती है? समस्या हमारी जो मतलब ये रोड निकला है, इसको रोड को विधायक लखनपाल ने निकवाला था उस टाइम पे। और जिस टाइम ये रोड निकला तो ये जो हमारा भाई गोपी चंद है, इसके घर वाली पहाड़ पेंचनी थी। इन्होंने हमें गांव वासियों से मतलब बातचीत की और इन्होंने ये बोला कि आपको रोड निकालना है ऊपर। हमने बोला ठीक है भाई, रोड निकल जाए तो सबसे अच्छी बात है। और गोपी चंद ने उस टाइम पूरा साथ सहयोग दिया क्योंकि उसके घर वाली पहाड़ पेंचनी है जी। और दूसरी बात यह है, इन्होंने रोड निकालने के बाद जब मतलब हमने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को कंप्लेंट किया कि महाराज आप ये हमारा कोई ना कोई अगला प्रावधान करो क्योंकि बरसात की मौसम में जो है रोड खराब हो जाता है। जब ये बरसात में रोड खराब हो जाता है तब व्हीकल आने जाने का कोई भी इसमें साधन नहीं होता। तब हमने विधायक लखनपाल को ये मतलब समस्या सुनवाई तो उन्होंने बोला भाई ये मैंने पहले भी 1-2 बार मतलब इधर हमारी थोड़ा बुजुर्ग है, जो मतलब बुजुर्ग थी वो बीमार थी, वो भी 4 पाई के ऊपर रहती थी और उसको ले जाने में भी मतलब आने जाने में मतलब तकलीफ थी, हमें तंगी थी। उसको 4 पाई के ऊपर लेके नीचे रोड में जाना, वहीं से रोड से फिर वापस आना तो रोड से भी 4 पाई के ऊपर लेके आना। तब मतलब लखनपाल ने 2 बार GCB भेजी तो इन्होंने उसको रोक दिया, भई हमारी जमीन जो बर्बाद हो गई, हमारी जमीन को मतलब बर्बाद कर दिया आप लोगों ने और आप हमें अभी तानाशाही दिखा रहे हैं। तो लखनपाल ने हमें जवाब दिया कि भई अब आपके जो गांव वासी हैं वो बनने नहीं देते हैं, तो मेरे को ये बताओ कि अब मैं वो समस्या तो आपने हल करनी है। अब ये मानते नहीं तो हम भी क्या करें भई, अब जमीन के मालिक हैं, हम भी क्या कर सकते हैं।
हमने पंचायत प्रधान के पास भी बुलाया, प्रधान को बुलाया, तो प्रधान ने भी यही बोला कि भाई वो जो मतलब भाइयों का आपका निजी मैटर होता है, फैसला होता है, वो बैठ के करो। तब हमने बोला भाई जी अदरवाइज ये जमीन वाले हैं, अदरवाइज इन्होंने निकाला है, और NFC जिस टाइम बनी थी तो पूरे गाँव वासियों की बनी थी और पूरे गाँव वासियों के साइन हुए, सब ने अपने अपने साइन मतलब किए उस NFC के ऊपर, ये जो रोड है। और उसके बाद इस रोड के मतलब इस रोड में भी मतलब हमारा मेरा खुद लड़ाई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ इस रोड की खातिर, और मैं मतलब ठाणे तक मेरी मतलब तरीके पड़ी। और मैंने कितने परिवार है आपके यहाँ पे जो भी इधर हमारे 8-9 परिवार हैं जो मतलब 10-11 परिवार रहते हैं इधर हमारे। और जब हमारे ठाणे में मतलब हमारी पेशी हुई तो उस टाइम भी मतलब जो प्रधान ने NFC लिखी तो उसने उस NFC में ये लिखा गया कि आज के बाद इस रोड को कोई भी मतलब बंदा जो है वो बंद नहीं कर सकता, मतलब हरकेश कुमार जी अब स्वर्ग सुधार के उन्होंने ये बोला था। और यहीं पे मतलब इन्होंने मतलब एक अपना जो रिटर्न कार्रवाई लिखी, और जिसमें हमारे लिखने वाले लेखक जैसे वो अपने हमारे प्रिंसिपल रतन चंद शर्मा थे ऊपर लखनपाल ये जिंदराना गांव से, वो भी साथ में। तब ऐसा है कि अब बताओ कि अब जब उस टाइम मतलब ठाणा में यही फैसला हुआ था, पुलिस वाले भी यहीं पर आए कि आज से बाद इस रोड को कोई भी नहीं रोकेगा, तो मैंने वहीं पे रोड की तरीके में 2 बार मतलब भुगतान किया है बरसा ठाणा में। तो अब हमारी मतलब सरकार से भी यही गुंजाइश है, लखनपाल से भी और पंचायत से भी यही गुंजाइश है कि ये रोड जब निकाल दिया गया है तो इसका अगला जो प्रावधान है उसको जल्दी से जल्दी जो है उसको मतलब नियुक्त किया जाए। जनाना ते ओदा लिया है ना क्या समस्या है? हाँ सर समस्या बड़ी समस्या बीमार हो गया मतलब क्या नाम मंजे बनाया ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ।